हेलो एंड वेलकम दोस्तों रिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आखिर बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीएनएस के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर भाई ये डीएनएस है क्या। इसके बारे में हर एक वो जो डिटेल डीएनएस की आपको पता होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। बड़े आसान शब्दों में, लफ्जों में आप तक ये कंटेंट डिलीवर करूंगा। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली है। तो भैया आखिरकार ये डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर ये चीज क्या है? ये सबसे बुनियादी सवाल यह है कि आपको ये किस लेयर पे ऑपरेट करता है, बराबर। अभी तक हमने कई सारे लेयर देखे कंप्यूटर नेटवर्क में, अभी तक हमने कई सारे लेयर देखे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये जो डीएनएस है ये आपको एप्लीकेशन लेयर में देखने को मिलेगा। डीएनएस ऑपरेट्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर। अगला पॉइंट डीएनएस से रिलेटेड ये है कि आखिर ये करता क्या है, इसकी जरूरत क्या है हम लोगों को, ये यू नो सो सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट डीएनएस डू ये मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे आपका डीएनएस मान लो, अब ये करता क्या है, ये इनपुट लेता है डोमेन नेम। ये क्या करता है, इनपुट लेता है डोमेन नेम और आउटपुट देता है सिंपली, आउटपुट क्या देता है, आईपी एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन नेम, बराबर। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बताने का। बेसिकली क्या है, जो अपना इंसानी दिमाग है ना वो नंबर से ज़्यादा नामों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, नामों को बड़े अच्छी तरीके से याद रखता है, नंबर्स को इतना अच्छी तरीके से याद नहीं रख पाता अपना इंसानी दिमाग। फोटोज़ हो गए, नाम हो गए, इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से वो याद रख पाता है और पहचान पाता है, और नंबर्स दूसरी साइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ज़्यादा देर तक दिमाग में बैठ नहीं पाते अपने नंबर। तो इस वजह से क्या है, हम लोग नामों की तरफ बढ़ते हैं, डोमेन नेम, जैसे कि अपना गूगल, गूगल हो गया, या फिर यू नो अमेजोन या फिर याहू, लाइक दिस। सो दीज आर द नेम्स बेसिकली, सो वी आर मच इंटरेस्टेड इन टू द नेम्स। बट यहाँ पे जो आपका वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू आपको गूगल पे जाना है, याहू पे जाना है, जहाँ पे भी जाना है, वो जो है एक तरीके से नंबर समझता है, उसे आईपी एड्रेस समझ में आता है। तो उसको आईपी एड्रेस दो, वो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ मुद्दा ये है कि अपने को नाम पता है और वहां तक जाने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो अभी ये बीच का जो मीडियम है ये कौन बनने वाला है, जो कि अपने लिए एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है। इट इज सिंपली टेकिंग द डोमेन नेम एंड ट्रांसलेटिंग इनटू द आईपी एड्रेस। तो अपने को जो पता है वो क्या है, डोमेन नेम, अपन इसको इनपुट देते हैं डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद ये जो डीएनएस है ये अपने को बताता है, लाइक वी आर जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू डीएनएस कि डोमेन नेम ये है तो मुझे इसका आईपी एड्रेस बताओ। ये उसको सवाल पूछते हैं अपन डीएनएस को, डोमेन नेम सर्वर को। तो फिर वो क्या करता है, आउटपुट देता है। ये आउटपुट किसको देता है, ये अपने को आउटपुट दे रहा है, एक तरीके से होस्ट को आउटपुट देता है कि हाँ जिस डोमेन नेम के आईपी एड्रेस के लिए तुमने रिक्वेस्ट किया था ये उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस है। फिर वो आईपी एड्रेस हम एंटर करते हैं अपने ब्राउजर पे और फिर उस वेबसाइट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये बेसिक सा जो काम है ये अपना डोमेन नेम सर्वर करने की कोशिश करता है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। ये हो गया सिंपल से बात। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डीएनएस एक तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर की तरह आप इसे देख सकते हो, जैसे कि एक ट्री डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर। ट्री मतलब क्या कि यहां पे जैसे कि रूट नेम सर्वर नाम की एक चीज होती है जो कि यहां पे आपके उस ट्री का रूट होगा, उस ट्री का क्या होगा, रूट होगा। उसके बाद आते हैं भैया अपने अलग और एक सर्वर लेवल है, दैट इज टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर, टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना .com हो गया, करेक्ट। उसके बाद यू कैन से .edu हो गया, करेक्ट। उसके बाद .military MIL हो गया, उसके बाद जैसे कि .org हो गया ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज फॉर कमर्शियल एजुकेशन पर्पस, मिलिट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारी चीजें अभी आपको दिख रही है ना, मतलब रूट के जो चिल्ड्रन है, बराबर, इस ट्री स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ये जो आपको यहां पे रूट के चिल्ड्रन दिखाई दे रहे हैं ये आपके टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर्स हैं। ये क्या, आपके टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर्स हैं, और इनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी वेबसाइट्स जिनके एक्सटेंशन में .com है, .edu है, .military है, .org और भी कई सारे हैं, ये बस जाने पहचान है जिनसे कि आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने इनको लिखा है। तो ये जो टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं तो इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन ये मेंटेन करते हैं वो है रिलेटेड टू ऑल द डोमेन नेम्स विच आर एंडिंग और हैविंग अ एक्सटेंशन ऑफ .com।
बराबर। तो .com से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन है वो इनके पास होगा, आई होप। उसी तरीके से .edu दैट इज एजुकेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और भी ऐसे कई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड एज अ बीइंग होस्ट, मैं इंटरेस्टेड हूं कि मुझे एक पर्टिकुलर वेबसाइट को जाना है, ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल www.even.com, ओके, या फिर इसे अपन कहते हैं इवन से अच्छा example1.com, ठीक है, लाइक दैट। तो मुझे इस साइट पे जाना है, तो अभी इस पे आपको देखना है कि इस वेबसाइट का अगर आप एक्सटेंशन देखोगे तो वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन देखो क्या है, वो .com है। तो आपको आपका जो जवाब है, यानी कि ये जो सवाल पूछा था आपने DNS से कि ये डोमेन नेम है मुझे इसका क्या चाहिए, आई वॉन्ट द IP एड्रेस, तो वो IP एड्रेस का जो जवाब है आपका यहाँ पे होने वाला है, इस चाइल्ड के पास है, इन चाइल्ड के पास नहीं है, रूट के इस चाइल्ड के पास आपके सवाल का जवाब है, ओके। तो यहां पे आप जाओगे और वो पॉइंट करेगा एग्जाम्पल, ओके, वो पॉइंट करेगा एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल यहां पे आप देख रहे हो, इसके पास जो है एक तरीके से अपना एक डेटाबेस होगा, और उस डेटाबेस के अंदर जो है रिकॉर्ड्स होंगे, और वो रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि वो जो भी आपकी वेबसाइट है, ओके, वेबसाइट का डोमेन नेम होगा, साथ ही साथ उसका जो रिस्पेक्टिव IP एड्रेस है वो भी होगा, और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे वैलिडिटी कि भैया वो जो पर्टिकुलर IP एड्रेस है उस डोमेन नेम ने कितने सालों के लिए, महीनों के लिए या कितने ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, वो वैलिडिटी भी वहाँ पे होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। और यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ गेटिंग योर IP एड्रेस, उस लास्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं एज अ ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, जहां पे एक्चुअल में आपको अपने रिस्पेक्टिव डोमेन नेम के लिए IP एड्रेस मिलने वाला है। तो यहां पे वो क्या है, एग्जाम्पल वन जो मैंने यहां पे कंसिडर किया है, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा .com, जो कि आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये .com का एक तरीके से चिल्ड्रन है, सो दिस इज अ ट्री स्ट्रक्चर, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अभी इसी को थोड़ा सा एक रियल लाइफ के थ्रू देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो फ्लो है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो फ्लो है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई का जो फ्लो है, वो किस तरीके से जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे दो टाइप है, कैसे है। सबसे पहला जो टाइप अपन देखते हैं वो देखते हैं इटरेटिव टाइप, ओके। इटरेटिव टाइप मतलब क्या कि ये होस्ट अपना जो है, हाँ, एक और चीज़, ये DNS रिजॉल्वर बोलो या फिर आपका लोकल DNS बोलो, तो आपका जो ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है, इट मैनेजेस दिस रिस्पेक्टिव DNS रिजॉल्वर, एयरटेल रिलायंस का, ओके, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो मेंटेन करते हैं अपने DNS रिजॉल्वर को, जिसके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आपके वेबसाइट्स हैं उनके IP एड्रेस यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं, ओके। तो जिस वजह से कि अगर भैया आप उन फ्रीक्वेंटली यूज्ड डोमेन नेम को सर्च करने जाओगे तो तुरंत आपको यहीं के यहीं जो है आपको वो IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो पूरी लंबी जर्नी है टू रीच टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन फेच दैट रिकॉर्ड एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू गेट द IP एड्रेस एंड देन डिलीवर टू द होस्ट, ये जो आपका पूरा का पूरा DNS ओवरहेड है ये बच जाएगा।